स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन व कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शुक्रवार दोपहर में प्रजापति समाज के लोगों ने विधायक से मिलकर अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद समाज के लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हक के लिए नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल के सामने अपनी बात रखी है। समाज के लोगों का विरोध था कि टिकट वितरण में उनके समाज को स्थान नहीं दिया गया। पूरे 45 वार्ड में एक भी समाजजन को टिकट नहीं दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। वार्ड 44 की पार्वती प्रजापति ने बताया कि वे मंडल अध्यक्ष है। पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन्हें हमने देखा तक नहीं। हमारे समाज के 9 लोगों में एक को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अध्यक्ष खंडेलवाल ने भी आवेदन लेकर सिर्फ आश्वासन दिया है। हम इस चुनावी अभियान में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो निर्णय लिया है वह सामूहिक है। श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर आज आप यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और देवास से राजे पैलेस भी पहुंचे थे, आप आपने आवेदन दिया है, क्या मामला है पूरा? प्रजापत समाज 45 वार्ड में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। इससे समाज और पूरा समाज परिवार नाराज है और इसको लेकर हम बीजेपी कार्यालय और पैलेस पे गए थे। वहाँ से भी हमको ये आश्वासन मिला है कि समाज के लिए हम कुछ ना कुछ जो है कोई भी पद देखते हैं, आश्वासन दिया है कि हम कुछ अच्छा करेंगे। आपको जिला अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया है? जिला अध्यक्ष ने दिया है कि बोले अब हो तो कुछ नहीं सकता, मगर हम कोशिश करेंगे कि एक आध टिकट की हम फिर मांग करेंगे, कि हो सकता है तो ये इसमें संशोधन करवाएंगे और समाज में जो भी है इसके बाद यदि नहीं हो पाया तो समाज में किसी न किसी को पद जरूर दिया जाएगा। अब ऐसे में आप क्या निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे, आपकी समाज द्वारा क्या करेंगे आप? अब ये समाज जो है बैठ के अभी निर्णय करेगी, इसमें जो भी निर्णय होता है हम उसको बिल्कुल स्वीकारेंगे और यदि समाज परिवार कहता है कि अपन को निर्दलीय नहीं लड़ना है और चुनाव लड़ना ही रहा तो फिर बीजेपी के झंडे डंडे तले ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपका पूरा नाम? शंकरलाल प्रजापति, वार्ड क्रमांक 44। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।